हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आपकी मेरे इंडोर प्लांट्स की कुछ प्लांट्स जो मुझे कमेंट्स में आप पूछ रहे थे जो आप कौन से ग्रो कर सकते हैं, तो उनमें से कुछ प्लांट्स मैं आपको परमानेंट प्लांट्स की लिस्ट बताती हूँ जो मैंने सालों से ग्रो कर रही हूँ। और लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं, ईजिली आप ग्रो कर सकते हैं इंडियन क्लाइमेट में। मैं यहाँ साउथ इंडिया में रहती हूँ तो हमारे क्लाइमेट में ये चल जाते हैं, तो उसी के कुछ प्लांट्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए मेरे कुछ प्लांट्स के लिस्ट आपको दे देती हूँ। तो ये है फ्रेंड्स कुछ मेरे डीआईवाई प्लांटर्स में लगा हुआ, और ये है फ्रेंड्स कैलेडियम के कुछ वैरायटी के प्लांट्स है। ये कैलेडियम बल्ब्स है, नीचे बल्ब्स के थ्रू मैंने इसको ग्रो किए हैं। एलिफेंट ईयर का प्लांट भी इस तरह के ही आता है, लेकिन ये कैलेडियम का है। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटे से छोटे पौधे मैं लेकर आई थी और छोटे से छोटे गमले में। देखिए ये 6 इंच का पॉट है, इसमें भी आसानी से ग्रो हो चुका है, लेकिन बहुत कम मेंटेनेंस का प्लांट ये है। तो फ्रेंड्स, ये एक डिफरेंट वैरायटी का प्लांट है। देखिए कितने अच्छे इसकी कलर है, पत्तियों की शाइन है और अंदर ग्रीन, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन मिक्स है। तो इनमें से एक छोटी सी लिली फ्लावर की तरह यहाँ पर कुछ फूल्स निकल आए हैं। इसी साल मैंने लास्ट ईयर इसे ग्रो किए थे, इस साल मेरे पास यहाँ पर ये कुछ फ्लावर्स यहाँ पर और एक निकल रही है। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है फ्रेंड्स। इसका नाम कुछ बटानिकल नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हम लोग इसे ग्रीन प्लांट ही बोल देते हैं। और इसको देखिए, ये भी कैलेंडियम की एक वैरायटी है। इसमें बहुत रंग और बहुत अलग अलग लीव्स के आपको बहुत वैरायटी मिल जाते हैं। ये दोनों एक ही वैरायटी के हैं। तो देखिए ये सब प्लांट्स जो है आप इंडोर में ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चल जाती है। और आगे नेक्स्ट आता है ये क्रोटॉन का। क्रोटॉन का तो बहुत वैरायटी का प्लांट्स है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट लीव्स के शेप में आपको मिल जाते हैं। छोटे प्लांट में कम मेंटेनेंस में आप 1 साल लगा देंगे तो 2-3 साल तक आप उसे एक ही पॉट में लगा रहने देते हैं तो चल जाता है। ये भी आप ग्रो कर सकते हैं। और ये आरएलए का कुछ वैरायटी का मैंने ग्रो किया है। ये बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और इतना अच्छा इसका कलर है, देखिए इतना बढ़िया इसकी लीफ की शेप है, तो ये भी बहुत सुंदर है। तो उसके बाद आता है ये फर्न के, ये एस्परगस फर्न है। इसमें भी बहुत वैरायटी आते हैं, कुछ छोटे छोटे पत्ते वाले हैं, कुछ बड़े पत्ती वाले हैं। और इसे एक बार आप गार्डन में यार कर देंगे तो आपको सालों साल चल जाते हैं। इसमें बार बार आपको फर्टिलाइज़र के भी झंझट नहीं रहती है। तो इनके अलावा फ्रेंड्स कुछ प्लांट्स मैंने इस तरफ रखी है, तो चलिए ये भी आपको शो कर देती हूँ। ये सिंगोनियम के भी ड्राफ्ट वैरायटी, टॉल वैरायटी, आजकल पिंक में बहुत सारे वैरायटीज़ आपको मिल जाते हैं। ये भी बिना धूप के चल जाते हैं कुछ प्लांट्स। ये मैंने बहुत साल से ग्रो किया हुआ है। और उसके बाद है ये अरेका पाम मैंने अभी धूप में ला के रखा है। मैं इसको इंडोर ही रखती हूँ पूरे घर के अंदर। इसे अच्छी हवा और अच्छी रोशनी जहाँ पर आती है वहाँ पर आप ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए छोटे से प्लॉट में भी मैंने इसको लगा के रखी है, बहुत बढ़िया सा प्लांट मेरा चल रहा है। तो उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये पेनेंडेंस प्लांट कुछ बोलते हैं, या रिबिन प्लांट भी इसे बोलते हैं। बोटानिकल नाम जो है इसका पेनेंडेंसी क्या ही है। तो इसमें भी कुछ वैरायटी है, मेरे पास दो कलर के हैं, तो चलिए मैं उसको बाद में शो करती हूँ। तो देखिए साइड से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साइड से जो हैं प्लांट्स निकल कर आते हैं, इससे आप बहुत सारे प्लांट्स जो है तैयार कर सकते हैं। और ये है डेविल्स बैकबोन प्लांट है। ये भी सालों साल तक एक ही पॉट में, एक ही तरह के मिट्टी में और बिना खाद का भी ये चल जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस पौधे के साथ। इसको कटिंग थ्रू मैंने ग्रो किया है, कहीं से भी आपको कटिंग मिल जाए तो लेकर आइए। इसमें भी 2-3 वैरायटी के मिल जाते हैं आपको, ग्रीन में या शेडी में, इसको वाइट शेड है इसमें। तो ये है ड्रेसिना का प्लांट है। तो देखिए बहुत ही अच्छी सुंदर पत्तियाँ हैं इसकी, ये भी बहुत साल से मैंने लगाए हुए हैं। तो देखिए नीचे इस तरह से ये और एक निकल रहा। तो फ्रेंड्स ये सब लो मेंटेनेंस प्लांट है, सिर्फ आपको हफ्ते में एक बार थोड़ी सी आप स्प्रे कर देंगे, थोड़ी सी पानी आप दे देंगे तो ये बहुत ही अच्छी चल जाती है। और ये है ड्रैगन प्लांट या ड्रेसिना प्लांट कुछ बोलते हैं इसे, मैं तो इसे ड्रैगन प्लांट के नाम से ही जानी जाती हूँ। इसको मैंने कटिंग के थ्रू ही ग्रो किया है। ये भी बहुत ही अच्छी कलर है पिंकिश में। और एक है ये सुदर्शन प्लांट है,
कुछ लोग स्पाइडर प्लांट भी मुझे कमेंट किए थे लास्ट, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी तब। इसमें तो बहुत ही अच्छी सी एक डंडी निकल कर फ्लावर आती है, ये भी मैं इंडोर में ही रखती हूँ, बहुत ही अच्छी से लिखता है। देखिए कलर लीव्स के, देखिए ये ब्राउनिश में है और ग्रीन में है, तो देखिए इस तरह के शेड में ये आपको मिल जाते हैं। इसको लगाना भी बहुत ही आसान है, इसके नीचे भी बल्ब्स है, देख सकते हैं यहाँ पर साइड से जो इसके बल्ब्स ग्रो होते रहते हैं। हमें कहीं से भी एक बल्ब मिल जाए तो आप लगा सकते हैं। एक ही बल्ब मैंने लगाई थी, उसी के इसमें बहुत सारे इसको नीचे फैल चुका है। तो इस तरह से कुछ पौधे हैं फ्रेंड्स। ये है स्नेक प्लांट, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हैं। इस ये मानिए मैंने 4 साल से शायद एक ही पॉट में है, ये इतना लंबा ये ग्रो हो चुका है। देखिए इसमें भी ये साइड में जो है येलो कलर में बहुत ही खूबसूरत सा आपको दिख जाता है। ये प्लांट बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ रहती है। तो इस तरह के कुछ प्लांट्स हैं जो हमारे इंडियन क्लाइमेट्स में चल जाती हैं। आप उसे देखिए इस तरह से मेरे थोड़ी सी हल्की सी 4 बजे की धूप निकल रही है, इतनी सी ही रोशनी में मैं इसे रख देती हूँ। सुबह से कुछ भी धूप नहीं आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स।